हाय गाइस, माला स्वर्स हिंदी टैरो में आपका स्वागत है। और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो है जेमिनी ज़ोडियक साइन के लिए। सो रीडिंग में जाने से पहले थोड़ी लंबी गहरी सांसें लीजिए और सांस मुंह से बाहर निकालनी है। ओके, सो जेमिनी आपके कार्ड्स हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ कप्स, स्टार, किंग ऑफ कप्स और फोर ऑफ कप्स। सो जेमिनी आपके रीसेंट पास्ट एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स है और अभी की एनर्जी में एस ऑफ कप्स है। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली, जिस कलेक्टिव के लिए मैं रीड कर रही हूँ उनके लिए बहुत ही स्ट्रांगली रोमांटिक रिलेशनशिप रिलेटेड एनर्जी लग रही है, आई मीन करंटली। और इफ इट्स नॉट रोमांस, ये बहुत ही डीप रूटेड फ्रेंडशिप हो सकती है, बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो सकती है। सो रीसेंट पास्ट एंड प्रेजेंट एनर्जी को मिला के पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स को लेकर, स्पेशली जब एट ऑफ कप्स भी आया है आगे और जब मैं बॉटम डेक एनर्जी भी देख रही हूँ जिसमें लवर्स है, फूल है और उसके नीचे टेन ऑफ सॉर्ड्स है। सो इट डज लुक लाइक अ फ्रेंडशिप और अ रिलेशनशिप दैट एंडेड। और विथ एस ऑफ कप्स या तो एक न्यू फ्रेंडशिप आपके पास है, आ रही है, या एनर्जेटिकली आप परसीव कर रहे हो कि एक न्यू फ्रेंडशिप फ्लरिश हो रही है, बन रही है, न्यू कनेक्शन आ रहा है, या आप खुद, मेजरली तो मुझे लगा कि आप खुद से न्यू रिलेशनशिप या न्यू कनेक्शन ढूंढ रहे हो जेमिनी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एट ऑफ कप्स की एनर्जी हिडन इन्फ्लुएंस में है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो आप न्यू कनेक्शन, न्यू फ्रेंडशिप्स ढूंढ रहे हो, ये जेन्युइनली अबंडेंस की एनर्जी से मुझे नहीं लग रहा, ये ऐसा लग रहा है एट ऑफ कप्स, क्योंकि हिडन एनर्जी है कि आप मूव ऑन करने के लिए कर रहे हो रादर दैन जेन्युइनली वॉन्टिंग अ न्यू कनेक्शन जहां पे आप भी मेंटली और इमोशनली रिलैक्स और क्लियर हो जाए मनाए। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे जरूर लगता है कि स्कूल से रिलेटेड या कॉलेज टाइम या बेसिकली जो आप बहुत ही बिगिनिंग में रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स फॉर्म करते हो, वैसी वाली फ्रेंडशिप है जो एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है जो टूटी है, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जो टूटा है, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप एस ऑफ कप्स के साथ न्यू कनेक्शन, न्यू ब्लेसिंग आप थोड़ा फोर्सफुली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई वुड से। मतलब आपकी इच्छा है और वो इच्छा गलत नहीं है, लेकिन अभी एट ऑफ कप्स का जो इन्फ्लुएंस है, हिडन इन्फ्लुएंस है, उससे ऐसा लग, क्योंकि साथ में सेवन ऑफ वॉन्ड्स हमारा ऑब्स्टिकल है, तो मुझे ये लग रहा है कि जबरदस्ती मूव ऑन करने के लिए आप ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी होती है, डिफेंस की एनर्जी होती है, अपने आप को डिफेंड करना, तो एक डिफेंसिव एनर्जी से आप मूव ऑन कर रहे हो। आप एक मतलब रिफ्रेश्ड, रिप्लेनिश, रिन्यूड एनर्जी से, एक अबंडेंस की एनर्जी से नहीं मूव ऑन कर रहे जेमिनी। सो इस वजह से आपकी क्या कहते हैं, जो मुझे लगता है इसका जो इन्फ्लुएंस भी आया है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में हमारे पास सेवन ऑफ कप्स का एनर्जी है, आपको लग रहा है क्योंकि सब लोग लाइफ में बहुत ही ज्यादा जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही स्टेप्स, बड़े बड़े स्टेप्स अपने लाइफ में ले रहे, बड़े माइलस्टोन्स क्लियर कर रहे, हो सकता है पीपल अराउंड यू आर गेटिंग मैरिड सो यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड ऑलमोस्ट ऐसे बैठे हो कि यार मेरी कब बारी आएगी वाली एनर्जी में आप बैठे हुए हो। और आप जो इमोशनली आपको उस चीज में दुख हुआ है, उस जो रिलेशनशिप एंड हुआ है, उसको आपने ग्रीव नहीं किया है जेमिनी, और वो करना जरूरी है। जब तक आप उस दुख को ग्रीव नहीं करते, उसको महसूस करके सिस्टम से रिलीज नहीं करोगे, आपको क्लैरिटी आने में दिक्कत होगी, आपको फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स मिलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लिटरली गाइडेंस में स्टार का कार्ड है, स्टार हीलिंग का कार्ड है, कैसे वो दोनों कप से पानी डाल रही है अंदर अगर आप देखो। सो पूरा जो आपका इमोशनल ट्रॉमा होगा इससे रिलेटेड, ट्रॉमा नहीं तो भी, बट इमोशनल स्टक एनर्जीज जो है, जो दुख है, जो गुस्सा है, जो इरिटेशन है, उसको जब तक आप महसूस करके अपने बॉडी से रिलीज नहीं करोगे, आप वो वाटर्स को क्लियर नहीं करोगे, द इमोशनल वाटर्स विद इन यू, तब तक आपको
हो सकता है कि या तो रिपीटेड साइकिल मिले या फिर कनेक्शन ही ना फॉर्म हो जो आपके लिए फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, दोनों लोगों के लिए, आपके लिए भी और जो भी कनेक्शन में आए। अगर आप अपनी हीलिंग के लिए टाइम निकालते हो, अपने आप को टाइम देते हो जेमिनाय, तो उसके वो गाइडेंस अगर आप फॉलो करते हो, तो हमारे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आउटकम में आपको किंग ऑफ कप्स जैसे एक पर्सन मिलेगा, और आप खुद भी वो हो जाओगे, समवन हु इज इमोशनली वेरी स्टेबल। कि कुछ इमोशनल आसपास के सराउंडिंग्स में कुछ केओस चल रहा है, केओटिक चल रहा है, कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं, उनको घबराहट या उनको टेंशन एंग्जाइटी ऐसे नहीं हो रही, या फिर उस टेंशन का क्या कहते हैं गलत तरीके से आप पे डायरेक्ट होना, या आप अपने इमोशंस को गलत तरीके से कहीं और डायरेक्ट करना, उन सब चीजों में बैलेंस आने लगेगा। क्योंकि मुझे जो लग रहा है अभी एट ऑफ कप्स जो हिडन इन्फ्लुएंसेस में है, कि आप एस ऑफ कप्स वाली न्यू एनर्जी तो चाहते हो और आप उस न्यू एनर्जी में होगे भी, लेकिन आप जो रियलाइज नहीं कर रहे हो वो ये है कि वो चोट जो पहुंची होगी आपको पुराने कनेक्शन में, उसको जब तक आप हील नहीं करोगे, तो वो हिडन तरीके से आपके रिलेशनशिप्स में, आपके कॉन्वर्जेशन में, आप किससे कैसे बात कर रहे हो, किससे कैसा व्यवहार कर रहे हो, उन सब में ये सब दिखने लगेगा जेमिनाय। सो जब आप अपने आप को परमिशन दोगे कि ठीक है, इट्स बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी चीजें आ रही है, धीरे धीरे करके आप उसको रिलीज करने में अपने आप को वो वाली परमिशन दो कि रिलीज कर रहे हैं, तब आपको क्लैरिटी आएगी। और क्योंकि स्टार का कार्ड भी है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको किसी एनर्जी हीलर के पास जाना है, या कोई अपने से आउटसाइड हेल्प लेनी है, आपको लगता है कि कोई आपको हेल्प कर सकता है, और हेल्प उन्हीं से लेना जिनको आप ट्रस्ट करते हो, जिनके एनर्जी से आपको फील होता है कि आप एम्पावर्ड फील करते हो, उनसे जब आप हीलिंग लोगे, थोड़ी हीलिंग भी नहीं, चलो आप सपोर्ट ले लो कि किस तरह से, किस डायरेक्शन में जाना है, पर आप वो क्लैरिटी के लिए थोड़ा सपोर्ट आप लोगे, तो आपको और आसानी भी होगी, आपको खुद आप अपना सिचुएशन एक थर्ड पार्टी, एक बाहर के नजरिए से पूरे सिचुएशन देख पाओगे, और बिना जजमेंट के, ना अपने तरफ भी जजमेंट नहीं हो, दूसरे की तरफ भी अगर कोई जजमेंट रहा उसको रिलीज कर सकोगे, और फिर आप ऐसे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे, जो एकदम नॉनचलांट भी है, स्टोइक है, बहुत बुद्धा जैसे ही एनर्जी है। अगर आप वो नहीं करोगे जेमिनाय, तो हमारे पास फोर ऑफ कप्स है। फोर ऑफ कप्स आप देखो कैसे इरिटेटेड सा बैठा है, क्योंकि उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं कर रहा, उसको कुछ किस भी चीज में मजा आ ही नहीं रहा, उसको लगा कि यार क्या है ये जिंदगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आई मीन लाइक द कनेक्शन इज नॉट एक्साइटिंग फॉर यू और फन फॉर यू। इवन एक्साइटिंग फन छोड़ो, आपको ये लगेगा कि स्टिमुलेट ही नहीं हो रहे, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ना आपकी ना अदर पर्सन की। ऐसे कनेक्शंस आपको मिलेंगे, या कनेक्शंस शायद मिले भी ना आपको, इनिशियली एक्साइटमेंट हो, फिर बाद में या इनिशियली आपको लगे कि हाँ हम कंपैटिबल है, पर बहुत ही जल्द वो उस कनेक्शन में, काफी अर्ली स्टेजेस में आपको पता चलने लग जाएगा कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा। सो क्योंकि मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक कप है, जो यूनिवर्स दिखा रहा है, वो आप देख ही नहीं रहे, कप इधर है और कप इस तरफ है और आपका अटेंशन इस तरफ है, वो क्लैरिटी, वो टू रिसीव व्हाट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू, वो आपको तब मिलेगी जैसे ही आप इस स्टार की तरह अपने इमोशंस को रिलीज करने का अपने आपको परमिशन दोगे, वो इमोशनल रिलीफ रिसीव करने का परमिशन दोगे। क्योंकि अंदर ही अंदर हिडन एनर्जीज जो चल रही है, वो ऐसी है जहां पे आप जबरदस्ती मूव ऑन करना चाहते हो, उस चीज का ज्यादा इन्फ्लुएंस है कंपेयर टू जेन्युइनली हैविंग चेंजेस इन योर लाइफ। सो मैं ये नहीं कह रही कि ये आपका इंटेंशन है, पर वो चोट अभी भी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है कहीं ना कहीं जेमिनाय, सो गिव योर सेल्फ द परमिशन टू रिलीज दैट। सो जेमिनाय आपकी यही रीडिंग थी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आई होप ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहा हो, और अपने थॉट्स आप जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड आई होप टू सी यू इन फ्यूचर रीडिंग्स। बाय बाय, थैंक यू।